एंड हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ कुछ बहुत ही ज्यादा यूनिक ब्लाउज के डिजाइन, जो है तो वैसे बहुत ही डेली वेयर के, लेकिन लुक इतना ज्यादा अमेजिंग देने वाला है ना, मतलब आप भी कहोगे सच में दीदी आज के ब्लाउज डिजाइन आपके बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। एंड सच में मैं सच बोलूं तो ना, मेरे पास ना वर्ड्स खत्म हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता किस तरह से एक्सप्लेन करूं, किस तरह से बताऊं कि कितना अच्छा लग रहा है पहनने के बाद। जो मैं फील करती हूं मैं वही आप लोगों से शेयर करती हूं। तो अगर दोस्तों आप लोग इंटरेस्टेड हो इन ब्लाउज को खरीदने के लिए, तो आप लोगों को मुझे जल्दी कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, बहुत सारे लोगों के बाद में कमेंट आते हैं जब मेरे ब्लाउज के डिजाइन बिक चुके होते, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे उन्हें मना करना पड़ता और मुझे भी खुद अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग मुझे प्लीज जल्दी बोलिएगा। तो ब्लाउज का डिजाइन देखने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा अगर आप लोग ब्लाउज को खरीदना चाहते हैं तो। और प्राइस वगैरह जो है वो स्क्रीन पे मैं इंसर्ट कर दूंगी, ठीक है। तो जल्दी से हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर करूंगी ये ब्लैक कलर का मल्टी कलर का ब्लाउज का डिजाइन। आप लोग देख लीजिए, कलर इसका ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जैसा ये मल्टी कलर है ना, इसमें मतलब प्रिंट बहुत सारे कलर में है, तो ये किसी भी साड़ी के साथ बहुत अच्छी तरीके से मैच हो जाता है। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए ना इस तरह के ये ब्लाउज का डिजाइन लाना पसंद करती हूँ, जो आप लोगों की किसी भी साड़ी के साथ इजिली मैच हो जाए। तो ये वन ऑफ देम है इनमें से, मतलब ये किसी भी साड़ी पर अच्छी तरीके से मैच होने वाला है। तो साइज इसका आप लोगों को 36 मिल जाएगा, बट इसमें मैंने मार्जिन बहुत अच्छा खासा छोड़ रखा है। अगर 38 तक आप लोगों को लूज करना है तो वो भी हो जाएगा। तो लेंथ की बात करूं, लेंथ मैंने इसमें 14 इंच रखी है। पैटेड ब्लाउज विद प्रिंसेस कट है। नेक इसका मैंने यूका शेप दिया, जिसकी लेंथ मैंने 6.5 इंच की रखी है। टोटल विड्थ मैंने इसकी 8 इंच रखी है, यहां से लेके यहां तक का। एंड लुक इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। तो ये जो है ये ब्लाउज के पीस मैंने खरीद के फिर उसके बाद स्टिच किए थे, तो इनमें ज्यादा स्लीव वगैरह के कपड़े नहीं बचता था, इसलिए मुझे यहाँ पे 3.5 इंच की स्लीव अटैच कर दी। तो स्लीव के अंदर भी मैंने यहाँ पे छोटा सा ये डायमंड का शेप दे दिया, ताकि लुक अच्छा लगे, थोड़ा सा अच्छा लगे। तो है तो वैसे ये मतलब डेली वेयर के लिए, लेकिन इसका जब आप लोग बैक साइड देखोगे तो आप लोग बोलोगे दीदी इसको हम लोग पार्टी में भी कैरी कर सकते, ये इतना अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो ये इसका फ्रंट है, और बैक में दिखाता हूँ आप लोगों को इस तरह से। बैक एक्चुअली जो है ना का, वो देखने पे इतने डिजाइन पता नहीं चलते, जब आप लोग डालते हो ना अपने बॉडी पे, तब उसके बाद में ये पता चलता है कि कौन सी डिजाइन किस तरह से दिख रही है, किस तरह से अच्छी लगेगी साड़ी के साथ। एंड मैंने बहुत जितने भी लोगों को दिखाया था मेरे आसपास, उन सभी को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। तो ये इसका बैक साइड है। सबसे पहले बैक साइड में मैंने यहाँ पे एक यू का स्लोप दिया है 3 इंच का, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे इस तरह से कुछ उल्टा वी में क्रिएट किया है, जिसकी लेंथ मैंने 9 इंच रखी है टोटल यहाँ से यहाँ तक। एंड विड्थ इसकी 3 इंच का मैंने कट लगाया दोनों साइड में, अगर आप लोग चाहो तो एक ही साइड में लगा सकते हैं, देन आप लोग ज़िगज़ैग वाली जो डोरियां होती है वो आप लोग अटैच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो दो डोरियों के सेट लगाए, जिसमें मैं ये लटकन भी अटैच कर दिए, देख सकते हैं आप लोग। तो लुक इसका बहुत ही ज्यादा ना हैवी सा लुक लगता है, प्रिंटेड होने के बावजूद भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहती हूँ, जैसे नवरात्रि आ रही है एंड अगर आप लोग लहंगा वगैरह बनवा रहे हो कोई प्लेन, या इसमें से कोई कलर पिक करके अगर बनवा रहे हो, तो उसके साथ ये ना चोली एज अ चोली बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग लगने वाला, बहुत ही डिफरेंट लगेगा एंड हर कोई आप लोगों की तारीफ करेगा ही करेगा। तो ये जो मेरा ब्लाउज है इसका मेरा स्टिचिंग प्राइस है 750, विद इसमें आप लोगों को डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। तो नेक्स्ट जो ब्लाउज है मेरे पास वो है एक प्लेन ग्रीन कलर का, ये मैंने प्लेन फैब्रिक लिया था ग्रीन कलर का, तो फिर उसके बाद मैंने स्टिच किया। तो ये मैंने नॉन पैडेड बनाया, इसको मैंने थोड़ा सा सिंपल रखा था, बट प्रिंसेस कट लगाया था कि फिटिंग हमारी अच्छी तरीके से बैठ जाए। स्लीव इसकी मैंने 3.5 इंच लगाई है, यू का शेप दी, यू का नहीं है एक्चुअली, इसका स्वीट हार्ट का शेप है फ्रंट का, 6.5 इंच इसकी लेंथ है। विड्थ में अगेन आप लोगों को 8 इंच का मिल जाएगा। तो फ्रंट में तो आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं दिखाने लायक कि आप लोगों को देख के बोलो वाओ दीदी। तो बैक साइड में इसका आप लोगों को दिखा देती हूँ। बैक साइड में सबसे पहले मैंने स्टेप जो लिया है वो यू का शेप दिया है, 3.5 इंच पे लगाया, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कट लगाया, जिसमें मैंने हुक पट्टी पे टच किया और उसके साथ साथ ये पोटली बटन्स अटैच किए हैं। तो जो साड़ी थी ना, साड़ी का जो कलर था, प्रिंट वाली साड़ी है ये वाली, उसके मैंने थोड़ा सा ना उसमें से काट लिया था, ताकि कॉम्बिनेशन का बना सकूं। उसके अंदर ब्लाउज का फैब्रिक नहीं आया था, ब्लाउज पीस नहीं था, तो फिर मैंने सोचा अलग से खरीद के थोड़ा सा ऐसा बनाना है कि ब्लाउज पीस इसमें अच्छा लगे। वेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, काफ़ी प्यारा सा लुक लगा था। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे छोटा सा ना ट्राइंगल का शेप, ट्राइंगल कह सकते हैं आप लोग, ट्राइंगल का शेप दे दिया, लुक बहुत अच्छा लग रहा था इसका।
एंड यहाँ पे एक बड़ा सा ना बो बना दिया, जिससे लुक इसका मतलब चार चांद लगे, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था पहनने के बाद। एंड बैक साइड में भी दोनों यहाँ पे हुक अटैच कर रखे हैं, और उसके ऊपर ही मैंने यहाँ पे बो भी अटैच कर रखी है, ताकि हमारा इस पे टिका रहे, कहीं पे भागे नहीं, और आप लोगों को इसको सेट करने की, फ्लावर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी इसके साथ मैंने इसको फिट कर रखा है। तो लुक इसका आप लोग देख लीजिए, बैक साइड में इस तरह से है, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। एंड लेट्स सी आप लोगों के लिए वीडियो कितना यूजफुल होते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो इन सभी का जो लुक बुक है वो बहुत जल्दी मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करने वाली हूँ, तो वहाँ पे अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहें तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @bhavnasfashionup, जहाँ पे मैं डेली लाइफ स्टाइल की चीज़ें कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ, कुछ मस्ती वगैरह कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ। तो ये जो मेरा ब्लाउज है, इसका मेरा स्टिचिंग प्राइस है 600। ये अगर आप लोगों को साड़ी इसके साथ परचेस करनी तो उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी, तो टोटल जो प्राइस है साड़ी का और ब्लाउज का वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। तो नेक्स्ट जो है मेरे पास ब्लाउज, वो है अगेन मेरी एक साड़ी है, उसके ब्लाउज का पीस है। ये एक सिल्क की साड़ी थी, बट इसका जो फैब्रिक है ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे ट्रांसपेरेंट शीयर टाइप के होते हैं ना, वो उस टाइप का इसका फैब्रिक है। तो लेंथ इसमें मैंने फ्रंट से रखी है 15 इंच, आई थिंक अभी मुझे याद नहीं है, और स्वीट हार्ट का शेप दिया है। नेक का लेंथ मैंने इसका 7.5 इंच रखा है, नॉर्मल सा बनाया, ज़्यादा डीप वगैरह नहीं है, बट लुक बहुत अच्छा लग रहा था फ्रंट से भी। एंड ये जो ब्लाउज है ना, इसमें थोड़ा सा ना मैंने डिफरेंट क्रिएट किया है, ये है तो पैडेड ब्लाउज विद प्रिंसेस कट, बट उसके बाद मैंने यहाँ पे ना कट लगा दिया। अगर आप लोग टेलर हो तो आप लोगों को पता होगा, जैसे तीरा वगैरह लगाते हैं ना, ताकि हमारा जो ये साइज है फ्रंट से थोड़ा अच्छी तरीके से फिट वगैरह हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे ना फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, और मैं बहुत जल्दी एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो स्लीव की लेंथ मैंने एल्बो तक रखी है, जिसकी लेंथ मैंने ये 11 इंच रखी है, और ये पूरा प्लेन बना है। स्लीव पे मैंने यहाँ पे लाइनिंग वगैरह अटैच नहीं की है, पूरा शीयर है, इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, पूरा ट्रांसपेरेंट टाइप का ये ना समथिंग, इसका जो फैब्रिक है ना लीलन टाइप का इसमें फील आता है देखने पे, ऐसे ही लगता है। तो फ्रंट का लुक है इस तरह से, और अब मैं दिखाती हूँ इसका बैक साइड। बैक साइड है इसका इस तरह से, मतलब जितना ये दिखने पे लग रहा है ना कि पता नहीं कैसा लगेगा पहनने के बाद, और उससे कहीं ज्यादा, मतलब जो हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा लगता है पहनने के बाद, लुक बहुत ही प्यारा लगता है, स्पेशली इसका जो बैक साइड है ना। एंड मुझे ना हर तरह के ब्लाउज डिजाइन पसंद है, मुझे जो पूरे कवर होते हैं वो भी पसंद है, बैकलेस भी पसंद है, स्लीव, हर तरह के ब्लाउज के डिजाइन पसंद है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे बैक में एक स्लोप दिया है यू का, जिसकी लेंथ मैंने 3 इंच रखी है, देन उसके बाद मैंने ये पूरा जॉइंट कर रखा है, और फिर उसके बाद ना ये वाला जो पार्ट है ना, मैंने ये कट कर दिया नीचे से, जितना भी आप लोगों को शो करना है ना उतना आप लोग कट कर सकते हैं। देन उसके बाद ना मुझे ना लगा कि जैसे इसमें जो भी प्रिंट है ना छोटा छोटा, और पूरी साड़ी में ना इस तरीके का प्रिंट मिल जाएगा आप लोगों को देखने के लिए। प्रिंट क्या है ये, एम्ब्रॉयडरी टाइप का, एम्ब्रॉयडरी भी नहीं है, पता नहीं क्या है, प्रिंट ही कह सकते हैं इसको वैसे, तो इस तरीके से पूरी साड़ी पे मिल जाएगा। देन मैंने सोचा ना इसको ना थोड़ा सा ना कलर कॉम्बिनेशन देते हैं, कुछ अलग कलर का कॉम्बिनेशन करेंगे कंट्रास्ट वे में, तो काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा लुक। ऑब्वियसली जैसे व्हाइट लुक होता है, और उसके ऊपर अगर हम लोग कोई भी कलर, अदर कलर कुछ यूज करते हैं पाइपिंग वगैरह, तो लुक उसका ग्रेसफुल आता है ना, जस्ट लाइक दैट। मैंने भी सोचा ना इसमें भी उस तरीके से कुछ अटैच करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ना दो पर्पल कलर की ये बड़ी बड़ी स्ट्रैप यहाँ पे यूज की है इस तरह से, जिसकी लेंथ मैंने पूरा 1 इंच की ये बनाई है, ताकि दिखे चौड़ी चौड़ी पट्टियां पीछे से तो अच्छा लगे। वेल अगर आप लोग चाहो ना इसमें डोरी वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये 2 स्ट्रैप लगाई हैं, बट अगर आप लोग चाहो तो इसमें 3-4 स्ट्रैप लगा सकते हैं, और जितना भी आप लोगों को पीछे से खुला रखना है उतना आप लोग रख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है वो है 800, और इसकी जो साड़ी है वो मुझे सेल करनी है, ये मैंने कुछ साड़ियाँ ऑर्डर की थी, तो अगर आप लोग चाहो तो इस साड़ी के साथ इस ब्लाउज को परचेस कर सकते हैं, और साड़ी का लुक मैं बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ब्लाउज के डिजाइन कैसे लगे लेट मी नो, कितने यूजफुल होते हैं आप लोगों के लिए ब्लाउज के डिजाइन, एंड मुझे कमेंट करके प्लीज बताइएगा जरूर। मैं देखती हूँ आप लोगों को कितने ये वीडियो पसंद आया, कितना हेल्पफुल रहा है, और मुझे अच्छा लगता है अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। एंड अभी नवरात्रि आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ नवरात्रि के लिए एक स्पेशल ड्रेस चनिया चोली आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो
डिफरेंट लगे, अच्छा लगे, जिसमें लुक बहुत अच्छा लगे, थोड़ा सा यू नो सब कहें कि कहाँ से बनवाया है, डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा है, जो कहीं डिज़ाइन नहीं मिले, इस तरह का कुछ क्रिएट करने वाले बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूंगी। ऑल्सो वेडिंग सीजन आने वाला है तो मैंने सोचा ब्राइड्स के लिए कुछ, जो न्यूली ब्राइड्स होते हैं उनके लिए ब्लाउज के डिज़ाइन आप लोगों से शेयर करूँ। देखिए क्या होता है, मतलब ऐसे धोखा देते हैं ईयरिंग वगैरह। तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा मैं बहुत अच्छे डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ऐसा लोग कहते हैं और मुझे भी लगता है। सो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय, टेक केयर।